हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू साइंस फॉर क्लास फोर्थ, चैप्टर नंबर सेकंड. एंड योर चैप्टर नंबर सेकंड इज प्लांट्स प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग फूड्स, यानी कि पौधों का अपने लिए खाना बनाना और उन्हें स्टोर करना. इसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा. तो देखें ज़रा हम क्या क्या पढ़ेंगे. इसके हाइलाइट्स क्या क्या हैं. ग्रीन ट्रीज, part of a leaf, how do plants make food, how do plants use food, function of a leaf, some unusual plants, flow of energy in the living world, interdependence between plants and animals, balance in nature. चलिए देखिए first में ही आपको puzzle दिया हुआ है solve करने के लिए. तो आप लोग कोशिश करना है इस पज़ल को करने की. अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो जब हम मिलेंगे तब मैं आपको करवाऊंगी. चलिए अभी हम यहाँ आ जाते हैं. अभी हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला पॉइंट हमारा ग्रीन ट्रीज़. तो ग्रीन ट्रीज़ के बारे में क्या पढ़ रहे हैं. हाउ ग्रीन एंड ब्यूटिफुल इज़ दिस ट्रीज़. कितना हरा और खूबसूरत पेड़ है ये. इट इज़ फुल ऑफ ग्रीन लीव्स. इसके ऊपर पूरी हरी पत्तियाँ हैं. वाई आर लीव्स ग्रीन. जो लीव्स हैं वो ग्रीन क्यों हैं. वाई डू मोस्ट प्लांट्स एंड ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स. क्यों ज़्यादातर पौधों के जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन होती हैं. द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल मेक्स अ लीव ग्रीन. एक पदार्थ होता है क्लोरोफिल नाम का लीव के अंदर, जो कि लीव के कलर को ग्रीन बनाता है. Only green leaves can make food for the plants since they contain chlorophyll. सिर्फ green leaves ही होती हैं जो कि पौधों के लिए खाना बना सकती हैं, क्योंकि उनमें chlorophyll होता है. Green leaves need air, water and sunlight to prepare food. जो green leaves होती हैं उनको air, water और sunlight की ज़रूरत होती है food prepare करने के लिए, यानी खाना बनाने के लिए. अभी पढ़ेंगे parts of a leaf, यानी कि leaf के parts. ये देखिए, ये टेक अ पीपल लीफ. एक पीपल की पत्ती लीजिए. ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ. यू विल सी अ मेन वेन रनिंग अलोंग द सेंटर ऑफ द लीफ. एक पीपल की पत्ती लीजिए, आप देखेंगे ये एक मेन वेन जो होती है वो जा रही होती है सेंटर में. इट हैज़ अ नंबर ऑफ साइड वेन्स. इसके साथ में बहुत सारी साइड वेन्स होती हैं. ये जो निकली हुई रहती है इन्हें हम साइड वेन्स कहते हैं. द मेन वेन इज कॉल्ड मिडरिब. तो इसका नाम होता है, जो मेन ये वेन होती है इसका नाम होता है मिडरिब. ओके, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है मेन वेन लिखा है इन्होंने, मिडरिब नहीं लिखा है. तो इसे हम मिडरिब भी कहते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ डबल पाइपलाइन ऑफ सेल्स. वन पाइपलाइन कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द लीफ. ये ना दो पाइपलाइंस की तरह बनी होती है. जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसमें आर्टरीज होती है ना हमारी, और ब्लड सेल्स, ये उसी तरह से इसके अंदर ये होता है. इस वेन में दो तरह की पाइपलाइंस होती हैं. एक होती है जो कि वाटर कैरी करती है और दूसरी होती है जो कि मिनरल्स को कैरी करती है. द अदर कैरीज प्रिपेयर फूड फ्रॉम द ग्रीन सेल्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. और जो इतनी सारी होती हैं, ये बहुत सारी जो होती हैं उन मेन के अलावा, ये क्या करती हैं, कैरी करती हैं फूड को अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स तक. ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ आर टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. और इसके अंदर के हिस्से में बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, बहुत छोटे से, जो कि हमें अपनी नॉर्मल, हम खुली आंखों से नहीं देख सकते जिन्हें, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ थ्रू द स्टोमेटा. जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो इन्हीं स्टोमेटास के थ्रू एंटर करती है लीफ के अंदर. ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर गिवन आउट थ्रू दिस स्टोमेटा. जो ऑक्सीजन और वाटर वेपर होती है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनती है वो इसी स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकाली जाती है. हाउ डू प्लांट्स मेक फूड. प्लांट्स खाना कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं.
प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर एंड वाटर फ्रॉम सॉइल. प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एयर और वाटर लेते हैं सॉइल से. द लीफ ऑफ ग्रीन प्लांट्स कंटेन द ग्रीन सब्सटेंस को क्लोरोफिल. ये चीज़ अभी हमने ऊपर भी पढ़ी, जो लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन जो ग्रीन प्लांट्स की लीव्स होती हैं उनमें एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्लोरोफिल होता है. क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट. क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को ट्रैप करता है. ग्रीन लीव्स यूज द एनर्जी ऑफ सनलाइट एंड प्रिपेयर फूड. और ग्रीन लीव्स क्या करती हैं, एनर्जी को यूज़ करती हैं सनलाइट की और फूड मेकिंग करती हैं, प्रिपेयर करती हैं फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की मदद से. सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो प्रोसेस है ये होती रहती है, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयरिंग. फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है प्रिपेयर, यानी बनाना, तैयार करना, और पुटिंग टुगेदर और उन्हें साथ में रख देना. तो थस फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. तो हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस जो है वो एक इस तरह की प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में. लीव्स मेक फूड फॉर द होल प्लांट. जो लीव्स होती हैं वो पूरे पेड़ के लिए, पूरे पौधे के लिए खाना बनाती हैं. सो दे आर कॉल्ड अ फूड फैक्ट्री ऑफ एंड किचन ऑफ अ प्लांट. इसलिए हम इसे फूड फैक्ट्री या किचन कह सकते हैं एक प्लांट का. लीव्स यूज द एनर्जी ऑफ द सन टू चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द काइंड ऑफ शुगर. लीव्स क्या करती हैं, एनर्जी को सन की यूज़ करती हैं जिससे कि वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज कर सकती हैं एक तरह के शुगर में. द शुगर इज़ देन टेकन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बाय द वेन्स एंड द स्टेम. फिर इसी शुगर को पूरे के पूरे प्लांट्स के सभी पार्ट्स में भेजा जाता है वेन्स और स्टेम के द्वारा.